दोस्तों अभी हम लोग चिचरा चेक पोस्ट पार करके बंगाल गेट पहुंच गए हैं। ये दारिसोल है और ये रही हमारी गाड़ी। गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गया है। गाड़ी जैसे बारिश होता है ना, तो इसका रेड स्विच या ग्रीन स्विच होता है, मतलब चढ़ाई पे चलने के लिए रेड स्विच और प्लेन में चलने के लिए ग्रीन स्विच, वो डायरेक्ट हो जाता है। अब वही देख रहे थे, आगे जाली वाली खोले हैं। अब कहाँ पे कौन सा स्विच में पानी घुसने के बाद डायरेक्ट होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक यही स्विच है, तो अभी देखते हैं। इसको यहाँ पे रुके हैं, प्लास्टिक लेके बांध देंगे और टैंकी में पानी भी कम है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो हम अभी अपने गाड़ी नीमपुरा बॉम्बे रोड में है और दिन के 1 बजने वाले हैं। तो हमारी गाड़ी अभी यहाँ से निकलने वाली है और हमारा माल है महाराष्ट्र यावतमाल, एक जगह का नाम है खूट। चलिए वो तो बताएंगे, खुर्द आगे कोई गांव है, तालुका, वहीं का माल है, यावतमाल डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग अपना डीजल टैंकी फुल करवा लिए हैं। टैंकी में 260 लीटर डीजल आया। चलिए अभी दिन का खाना खाने का टाइम हो गया है, तो हम लोग पहले यहाँ खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से वीडियो को और अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना लग चुका है और यहाँ का फेवरेट है चिकन और राइस, यानी मुर्गा और भात। चलिए खाते हैं। और पास में यहाँ अमित है, ये भी खाने बैठ गया है। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, खा के निकलते हैं। मस्त बना भाई। दिन के 2:30 बज रहे हैं, खाना पीना हमारा हो गया, अब यहाँ से चलते हैं और बॉस से हाथ मिला लेते हैं और बाय। और ये रही हमारी गाड़ी, अब चल के सेल्फ मारते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और बाप रे बाप, और चलते हैं, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। और गाड़ी का हमारा टैक्स अप टू डेट हो गया है, अब CF अप टू डेट नहीं हुआ है। फोन किए उनको, बोला मैं करा दूंगा 5:00 बजे तक। तो चलिए अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग लोधासुली पहुंच गए हैं। लोधासुली यहां से 2 किलोमीटर आगे है इस साइड। और अभी यहां पे हम लोग गाड़ी में ग्रीस मरवा रहे हैं और ग्रीस मारे हुए बहुत दिन हो गया था। हम लोग जाते टाइम ही ग्रीस मारे थे, आने के टाइम गाड़ी में मिर्ची लोड था, तभी ग्रीस नहीं मार पाए। देखिए यहाँ गिट्टी फंसा है, गिट्टी निकालना पड़ेगा। तो अभी चलिए यहाँ पे ग्रीस मरा लेते हैं। और ये भाई मार रहे हैं ग्रीस, और पिन बूस में ग्रीस मारना पड़ता है, ये देखिए। और ग्रीस मार लेंगे तो गाड़ी खिल के चलता है। और पिन बूस होता है, अगर ग्रीस नहीं मराएंगे तो वही पिन बूस खा जाता है, फिर उसका काम कराइएगा तो काम में बड़ी खर्चा भी लगता है। और ग्रीस मराते रहते हैं तो सर्विस ज्यादा देता है। और ये साइड है दुकान अमित। अच्छा ये देखिए प्रेशर ग्रीस है, ये टंकी में एयर भरा हुआ है और यहाँ से हवा खोलना पड़ता है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा ग्रीस हो गया, ग्रीस मार लिया बढ़िया से, अब यहाँ से निकलते हैं। और बारिश हो रहा है भाई, इधर 1 हफ्ता हो गया बारिश हो रहा है हर रोज, देखिए। लेकिन आगे लगता है आसमान खुला मिलेगा बहरागोड़ा साइड, क्योंकि बडरमा घाट, बांगड़ी भूसी जो घाट है उसमें जाम लग रहा है। और जाम का कारण है बारिश हो रहा है, रास्ता खराब है, उसी में जाम लगता है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो चलिए यहाँ से चल के निकलते हैं, और अगर घाट निकल जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, ऊपर घाट चढ़ के फिर उधर रुकेंगे, तो जाते जाते रात हो जाएगा। तो चलिए नहीं है पूरा एकदम नहीं है, फोन पे में मार देता है इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ चिल्लर पैसा लगेगा, 236 रुपये लगता है कांटा का। हम लोग कांटा पे है और वजन तो दिख नहीं रहा है कितना हो रहा है। चलिए निकलते हैं।
हम लोग अभी लोधासुली पार कर गए हैं। ये लोधासुली चेक पोस्ट था, MBI चेक पोस्ट। और जब ये रोड मतलब 2005 से पहले 5 बजता था बस रोड बंद हो जाता था, ना गाड़ी आती थी ना जाती थी, और चोरी भी होता था एकदम भयंकर चोरी, माने अब उसको क्या बोले, भयंकर वाला। शाम को ही गाड़ी में गजाल लग जाता था, सामने टायर में लोहे वोहे फेंक देते थे और टायर में लग जाता था, टायर पंचर होके गाड़ी खड़ी हो जाती थी। फिर चिंता ही होता था। ड्राइवर के साथ मार पीट कट वोट सब लगा देते थे, इतना भयंकर वाला था ये। जो 2005 से लेके मतलब 2005 के पहले ये सब होता था, 2005 के बाद जब मोबाइल का युग आया तो जैसे जैसे मोबाइल अपना पैर जमाते गया वैसे वैसे ये सब आस्ते 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 अभी 2024 आ गया। 2015-16 में आके पूरे ही खत्म हो गया, मतलब एकदम बंद हो गया, रातों दिन गाड़ी चलने लगी। उसके बाद 4 लाइन बन गया, 4 लाइन बनने के बाद तो सब कुछ बदल गया। दोस्तों अभी हम लोग चिचरा चेक पोस्ट पार करके बंगाल गेट पहुंच गए हैं। ये दारिसोल है और ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी थोड़ा यहाँ से चाय पी लेते हैं। और गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गया है, गाड़ी जैसे बारिश होता है ना तो इसका रेड स्विच या ग्रीन स्विच होता है, मतलब चढ़ाई पे चलने के लिए रेड स्विच और प्लेन में चलने के लिए ग्रीन स्विच, वो डायरेक्ट हो जाता है। अब वही देख रहे थे, आगे जाली वाली खोले हैं, अब कहाँ पे कौन सा स्विच में पानी घुसने के बाद डायरेक्ट होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक यही स्विच है तो अभी देखते हैं, इसको यहाँ पे रुके हैं, प्लास्टिक लेके बांध देंगे। और टंकी में पानी भी कम है, बाबू लोग को पहले हम बोले थे तो अब क्या करे भाई, लोगों को उससे ध्यान नहीं रहता, मतलब ये जिम्मेवारी है अपना अपना, जो गाड़ी का ऑयल पानी जो है हमारे भाई लोग को नाप लेना चाहिए। ड्राइवर कहीं से आया सेल्फ मारा चल दिया, लेकिन नहीं, अपने सब बताओ, अगर आपको याद आया बता दिए तो ठीक है, नहीं याद आया तो जाओ इंजन सीज करो, कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। हम लोग क्या करें, दिमाग एक जगह रहता नहीं है, कभी वहाँ तो कभी वहाँ। तो अभी बताइए, अभी जो हमारा दलाल है वो पेपर अप टू डेट नहीं कराया, हमारा पैसा देने में लेट हो गया, मतलब मिर्ची वाला भाड़ा वाले को हम बोल रहे थे कि भाई हमारा पैसा दो, पैसा का हमें ज़रूरत है, वो अभी दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, अभी तक दिया नहीं, उसी में लेट हो गया। अब वो पेपर अप टू डेट नहीं किया, जल्दी जल्दी में कल पैसा मारे तो कुछ कल किया, कुछ अभी तक कर ही रहा है, ऐसा ही होता है सिंगल ओनर का साथ में। अब उनके पास अपने पास पैसा नहीं होता है बैक सपोर्ट में, पैसा कहीं से आएगा तो किसी को देंगे, तब तक काम रुका रहता है। चलिए क्या करें, शाम के 5 बज गए हैं, 5 से पार हो गए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, जामसोला में चल के रुकेंगे। और जामसोला यहाँ से है 20 से 25 किलोमीटर है, तो अब चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा देखते हैं गाड़ी का वो वायरिंग बनाए है ठीक होता है न क्या। फ्रेंड्स रात के 7 बज रहे हैं और हम खड़े हैं बॉम्बे छक्की पे, और ये देख लीजिए सामने बॉम्बे छक्की ब्रिज है, और ये रहा बोर्ड, बोर्ड पे बालेश्वर बाएं साइड यहाँ से जाएंगे और सीधा जो है बम्बई रोड है, और ये आगे बॉम्बे छक्की है जो दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ खड़े थे, गाड़ी का शीशा उसा साफ किए, लाइट वाइट लगाए, तो अभी पार्किंग लाइट देखिए जला लिए हैं, अगर गाड़ी में अगरबत्ती उगरबत्ती लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो सोच रहे हैं कि चलते हैं बांगड़ी भूसी घाट आएगा, घाट चढ़ के ऊपर, घाट के ऊपर रुकेंगे, और एक प्रॉब्लम है हमारे पास वो चलिए आप लोग को बताएंगे। और यहाँ से निकलते हैं, घाट रोड चढ़ लेते हैं, थोड़ा बेल्ट चेक कर लेते हैं, बेल्ट ढीला हुआ है क्या। हाँ बेल्ट ढीला हुआ है, अमित भाई बेल्ट को टाइट करो, अरे बेल्ट टाइट करो भाई, बेल्ट हमारा टाइट हो गया है और लास्ट अमित टाइट कर रहा है। तो चलते हैं घाट रोड चढ़ते हैं। अभी बांगड़ी भूसी घाट में है और यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए पूरा लाइन लगा हुआ है बहुत लंबा। इस घाट में यही गड़बड़ी है, माने अभी रास्ता खराब हो गया है पूरा, देखिए सामने रास्ता खराब है,
आगे लाइन बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब रास्ता खराब होने का वजह से गाड़ी ब्रेक डाउन हो जा रही है, जाम लग जा रहा है। और जाम में एक गाड़ी का सिस्टम है, अगर जाम लग जाएगा तो उस जाम में कुछ गाड़ियों का ब्रेक डाउन हो जाता है। देखिए बस ओवरटेक करके जा रही है। बारह बजने वाले हैं रात के और जाम लगे हैं बड़ी जबरदस्त, अभी तक निकला नहीं। देखिए पूरे लाइन इधर का जाम है। अरे भाई भूख भी लग रहा है, पता नहीं कब तक निकलेगा, खाना आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात पता नहीं है। अभी हमें जाम ही नहीं पता चला कहाँ पर है। घाट खत्म हो गया है, घाट के आगे डबल रोड आएगा, फिर उसके बाद सिंगल रोड आएगा, तो हमें लग रहा है वहाँ पे जाम है। अगर वहाँ पे जाम है तो अभी जाम बहुत लंबा है, वो जाम के बाद सब होटल आएंगे। तो देखिए अब कब तक निकलते हैं, अब तो फंस गए हैं। अमित सो रहे हो, क्या बात है? रात के 2 बज गया है और लगभग हम जाम निकल चुके हैं। और देखिए यहाँ क्या जाम का पोजीशन है, बाप रे बाप कितनी गाड़ी है। वही जो 4 लाइन है उस पे चढ़े हैं और 2-2 लाइन जाम है। इधर का भी जाम है, ये भी जाम है, उस साइड भी जाम है, बहुत भीड़ है। इसमें कच्चा माल की गाड़ियां बहुत फंसी हुई है और पुलिस अपना पहरा दे रही है। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी ना करे तो और भी जाम कर देंगे लोग। आगे सिंगल रोड में, सिंगल रोड बहुत खराब है, देख लीजिए अब बड़ी खराब है। ये रास्ता लगा हुआ है बड़ी जोर से। ड्राइवर भाई लोग इसी में भूखे सो रहे हैं भाई, अब क्या करें, मजबूरी है, अपना अपना सफर में जाना है सबको। और रास्ता जाम है, खाने का टाइम नहीं, नहाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम बिसोही पहुंच गए हैं और रात के 3 बज रहे हैं। 9 बजे हम जाम में लगे थे पूरे 6 घंटे में। तो चलिए भूख लगी है, भूख तो 12 बजे ही लग रहा था, तो चल के खा लेते हैं। ये रहा पास में होटल, तो आ गए होटल में और अपना ऑर्डर दे दिए हैं, दाल फ्राई बोले हैं हम लोग। और आपको एक बता दें, हमारे गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी का हमारा CF अप टू डेट नहीं हुआ है, क्योंकि GPS अप टू डेट कराने के लिए 3000 रिचार्ज करना था। वो रिचार्ज के लिए आज हमको बोला हमारा दलाल, तो जल्दी जल्दी शाम को पैसा मारे। तो फिर वो बोला कि नहीं भैया, इसमें 24 घंटे से 48 घंटा टाइम लगेगा, उसके बाद CF अप टू डेट होगा। तो चलिए अब क्या करें भाई, अब हम तो देख के फंस गया है। हमको पहले दिन CF कराए, उस दिन बताया नहीं कि ये 3000 के रिचार्ज करने के बाद ही CF आपका अप टू डेट होगा। तो अब क्या करें, चलिए अब लगता है कि कल शनिवार है, परसों सोमवार हो, यानी संडे सोमवार के बाद ही अब पेपर बनेगा। तो हमारा खाना लग चुका है और ये है दाल फ्राई, और अमित और हम साथ में खा रहे हैं। तो चलिए खाते हैं। और दाल फ्राई में मलाई डाला हुआ है, दाल फ्राई यहाँ का बहुत बढ़िया होता है। तो खा लेते हैं भाई, भूख लगी है बहुत जोर के। दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया और चले आए हम गाड़ी में, अब चलते हैं आराम करते हैं। और टाइम 3:30 बज गया है, तो अब चलिए सवेरे देखेंगे, फिर यहाँ से सुबह नहा धोवा के फ्रेश होके उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।